सर। बुलेट अंदर घुसेगी तब बात बाहर निकलेगी क्या? पहले ही तुझे काफी वक्त दे चुका हूं। गरीबों के आंसू ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना कभी की इस पिस्तौल की गोली तेरे आर पार हो गई होती और मॉर्चरी में एक और बॉडी आती। सर मैं बताता हूँ। गुड, बताओ, डरने की जरूरत नहीं है। शेषनाग शंकर। सर, सर। शेषनाग के बिना शंकर बेकार है। शेषनाग शंकर आ गया, अब बोल बोल बोल। ओस, वैसी ही गन मेरे पास भी है। गन किसके पास है ये बड़ी बात नहीं, दम किस में ज्यादा है वो देखना है। देखते हैं तेरी पावर और इस शेषनाग की फुंकार में कितना दम है। अगर कोई माइकालाल यहां है तो इसे हाथ लगा कर दिखाए। कमॉन, तेरी इतनी हिम्मत कि हम लोगों के होते हुए तुझे ये यूनिफॉर्म मौत के मुंह से बचाएगी? ए, एक ईमानदार पुलिस वाला जानता है कि वर्दी में कितनी ताकत होती है। तुझ जैसा हरामखोर जो देश और वर्दी दोनों को ही धोखा दे रहा है, इसका मूल्य क्या जानेगा? ये मेरी मौत को शायद ना रोक पाए। आ जाओ जिसने अपनी माँ का दूध पिया, और देखो इस वर्दी की ताकत। भाई मैं शफी ही हूँ। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज होता है, लेकिन उस हिंदू की खातिर मुझे क्यों सबसे दुश्मनी लेनी पड़ रही है? भगवत गीता की कसम खाता हूँ, तुझे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर हूँ। गीता में ही लिखा है, वैसे हमारे हाथों में कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, बस ये है, और ये सब तो ऊपर वाले की करामात है। नमस्कार। बड़ी आसानी से मार डाला, इन खून के धब्बे हम पर नहीं लगने चाहिए। डरते क्यों हो?
मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हम बताता हूं। ए, देखो